बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अल-किराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं? राव फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। वेलकम टू अजीम 27 राव चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल अजीम 27 राव को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट्स आप लोगों को वक्ता फ़वक्ता मिल सके। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स ओमान के कोरोना वायरस के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाज़िर हूँ। और जो कोरोना की खबरें वो बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी की हैं, क्योंकि जो पिछले 3 दिनों के केसेस बताए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, और ख़ासा इजाफा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर ये स्टेटमेंट शाया की गई है, और इस स्टेटमेंट के मुताबिक पिछले 3 दिनों में सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 3,544 नए मामले आए हैं कोरोना वायरस के। और अब इन 3,544 न्यू केसेस की वजह से आप लोग देख सकते हैं सल्तनत के अंदर 1,71,549 पर्सनस को हो गया कोरोना वायरस। इसके अंदर माशाल्लाह मजीद रिकवरीज भी आई, आप लोग देख सकते हैं 1,52,784 पर्सन की ओमान के अंदर रिकवरी हो गई है। इसके अलावा ये जो टाइम्स ऑफ ओमान के अंदर आर्टिकल छाया हुआ, इस आर्टिकल के मुताबिक पिछले 3 दिनों में सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर हाई लेवल की डेथ्स हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं 29 पर्सन की डेथ हुई है, और ये 29 पर्सन की डेथ मिला के आप लोग देख सकते हैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर 1,776 पर्सन की डेथ हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं हकीकतन जो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद है वो ओमान के अंदर बढ़ रही है। इसलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हदायत है हर सिटीजन और रेजिडेंट्स के ऊपर, वो यही है कि मास्क, सोशल डिस्टेंस और गैदरिंग, इन तमाम चीज़ों के ऊपर वर्क करके रखें ताकि जो केसेस ओमान के अंदर वो थम सके। अपने आप को इस वायरस से बचाएं और दूसरों को ये वायरस होने से बचाएं। तो ये तमाम इस वक्त की अपडेट्स थी ओमान के कोविड-19 के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और भी न्यू अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह अपने प्यारे मुशाहिदीन के साथ शेयर करेंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हिफाजत करें, और राव फजल अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।